नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर बीती रात एक डंपर चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। बाद में धम्बोला पुलिस की सूचना पर गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। डंपर में अवैध शराब के 276 कार्टून भरे हुए थे, जिन्हें गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने जब्त कर ली है। वहीं डंपर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। डंपर में भरी शराब गुजरात चुनाव के तहत बांटी जाने वाली थी। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाने के थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर धम्बोला थाने की सरथुना पुलिस चौकी की ओर से कल रात को राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर नाकेबंदी हुई थी। इस दौरान सीमलवाड़ा की तरफ से आ रहे एक डंपर को रुकने का इशारा किया तो डंपर चालक रुका नहीं और पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गया। इधर इसके बाद सरथुना पुलिस चौकी प्रभारी चंदूलाल मीणा ने गुजरात के बाकोड़ थाना पुलिस को डंपर द्वारा नाकेबंदी तोड़कर फरार होने की सूचना दी, जिस पर गुजरात की बाकोड़ थाना पुलिस ने गुजरात में नाकेबंदी की। इस दौरान डंपर चालक गुजरात की बाकोड़ थाना पुलिस की नाकेबंदी में पकड़ा गया। बाकोड़ थाना पुलिस ने डंपर की तलाशी ली तो डंपर में अवैध शराब के कार्टून भरे हुए थे, जिस पर पुलिस ने डंपर को जब्त कर आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार किया। बाकोड़ थाना पुलिस ने डंपर से अवैध शराब के 276 कार्टून जब्त किए। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव है, वहीं जब्त शराब के चुनाव में बांटे जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल गुजरात की बाकोड़ थाना पुलिस PSI PM मकवाना द्वारा गिरफ्तार डंपर चालक नागौर निवासी मूलाराम पुत्र भंवर सिंह जाट से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।